गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है। और ये वीडियो हमारा अभी तक टॉपिक चल रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता जिसे बोलते हैं, तो इसी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज, बारी बारी से एक एक करके हम लोग इसके जो भी स्थल खुदाई के फलस्वरूप निकले उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोडीजी, सुकांडोर, ये सब स्थानों को हम लोग देख चुके थे जो कि लगभग स्थल थे। ये सब पाकिस्तान में खोजे गए थे। अब जो आज़ादी, भारत के आज़ादी के बाद ये सब स्थल जो भारत में खोजे गए हैं, अब हम लोग उनको बारी बारी से देखेंगे। तो ये जो हमारा स्थल है, ये आज़ादी के बाद खोजा गया पहला स्थल जो था वो था आपका रंगपुर। तो आइए आज हम लोग जानते हैं रंगपुर के बारे में कि उसका खोज कब हुआ, किसने किया और वो भौगोलिक दृष्टि से उसका स्थान क्या है। तो बात करेंगे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के। तो मैंने सारे वीडियो में लगभग इसके बारे में बताया कि इसका जो आकार था त्रिभुजा कार था, इसका जो आकार था त्रिभुजा कार था, ट्रायंगल के जैसे इसका आकार था। और ये आपका रंगपुर जो है, ये रंगपुर के बारे में बताया। तो रंगपुर जो है ना गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में कठियावाड़ा में स्थित है। यहाँ जो मैं मार्ग कर रहा हूँ यहीं पे सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में, इसी सौराष्ट्र में आपका सोमनाथ का मंदिर था जिसे 1025 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा विध्वंस किया गया था। ये यही सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में स्थित है सोमनाथ मंदिर भी, और इसी सौराष्ट्र में कठियावाड़ा प्रांत में गुजरात से रंगपुर का खोज किया गया है, जिसका खोज 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। 1953-54 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई और इसके खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। इसका स्थान पूछेगा तो हो जाएगा आपका सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में, सौराष्ट्र के कठियावाड़ा में। और ये कहाँ पड़ेगा तो ये गुजरात में। आप यहाँ पे मैं मार्किंग कर दिया, ये क्षेत्र जो है कठियावाड़ा का क्षेत्र है और यहीं से रंगपुर का खुदाई हुआ। और ये किस नदी के तट पर है तो रंगपुर जो है ये माधव नदी के तट पर स्थित शहर था, माधव नदी के तट पर स्थित था। और हम जब चनहुदड़ो पढ़े थे तो चनहुदड़ो के बारे में ये आया था कि चनहुदड़ो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन ये जो है ये कैसा था तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र था। रंगपुर जो था यहाँ के लोग कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति था उन लोगों को। तो यहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहाँ से चावल की खेती का प्रमाण मिला है, ज्वार एवं बाजरा की खेती का प्रमाण मिला है। अभी मिलेट को बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, मिलेट से आंसर क्वेश्चन आंसर भी बहुत देखने के लिए मिल रहा है एग्जाम में, मिलेट से, रागी से, बाजरा से। तो 2023 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाजरा को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, बाजरा वर्ष। ज्वार एवं बाजरा की खेती का भी प्रमाण यहीं से मिला है, चावल की भूसी, क्योंकि चावल की खेती यहीं थी तो चावल की भूसी का भी प्रमाण जाहिर सी बात है कि यहीं से मिलेगा। और यहाँ के जो दुर्ग बने होते थे, जो कीला जो घेराबंदी होता था, सिंधु सभ्यता के अधिकांश शहर जो है ना उनका घेराबंदी किया जाता था। तो यहाँ के जो शहर जो घेराबंदी किए गए थे वो कच्ची ईंटों से इनका घेराबंदी हुआ था। इनके जो दुर्ग बने हुए थे वो कच्चे ईंटों के बने हुए थे। आज़ादी के बाद खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला नगर रंगपुर था। आज़ादी के बाद खोजा गया सिंधु सभ्यता का पहला नगर जो था वो आपका रंगपुर था। बात करते हैं बाजरा के। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अभी करेंट अफेयर के रूप में हर एक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इन्हें रिकॉल करते रहिएगा, ये एग्जाम में जरूर आने की संभावना है। बात करेंगे आगे हम रोपड़, एक और स्थल हम देखेंगे रोपड़ जो कि हमारा पंजाब में, पंजाब बोलेंगे तो यहाँ पे। तो पंजाब से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है सतलज नदी, और सतलज नदी जो है हिमालय के सभी खंडों को यानी सभी खंडों को तोड़ते हुए भारत में प्रवेश करती है। और ये यहाँ से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब होते हुए और ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ ये सिंधु की सहायक नदी भी है सतलज नदी। तो ये सतलज नदी के तट पर इसका खोज 1955 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहाँ पड़ेगा तो ये रूपनगर पंजाब में, लेकिन वर्तमान समय में ये रोपड़ ये पंजाब का एक जिला भी है। नदी कौन सी नदी हो जाएगी, नदी सतलज हो जाएगी। बात करेंगे यहाँ से प्रमाण साक्ष, यहाँ से प्राप्त एविडेंस क्या मिले, साक्ष क्या मिले। तो यहाँ से प्राप्त जो एविडेंस है वो तांबा की कुल्हाड़ी मिला, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी और इसके पहले जो सभ्यता थी वो
ताम्रपाषाण काल युग थी, ठीक है ना। तो ताम्रपाषाण काल युग होने के कारण यहाँ से क्या मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी, क्योंकि ताम्रपाषाण युग के बाद आ गया था कांस्ययुगीन सभ्यता। तो तांबे की कुल्हाड़ी मिलना नॉर्मल मैटर रखता है, कोई तो बड़ा मैटर नहीं है कि तांबा का मिल गया, तो अचंभा की बात इसमें नहीं है। तो तांबा की कुल्हाड़ी मिला है और यहाँ से मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिला है। लेकिन जब हम लोग पाषाण काल पढ़े थे तो पाषाण काल में बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ता दफना